वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। अरशद ये नाम आप नोट कर लीजिए, ये कोई आम इंसान या फिर राह पर चलता हुआ इंसान नहीं था, ये कॉलेज का प्रोफेसर था, एक शिक्षक था जहां पर छात्र और छात्राओं का भविष्य तय होता था। लेकिन इस अरशद के मन में जिहादी मानसिकता इस कदर भरी हुई थी कि उसने यहाँ भी जिहाद फैलाने की कोशिश की और छात्राओं के साथ ऐसा कुछ किया जिसके बाद हिंदू संगठन गुस्से में आ गया और कॉलेज में घुसकर इसे ऐसा सबक सिखाया कि इसकी आने वाली 10 पीढ़ी भी अब याद रखेगी कि छात्राओं को कैसे क्या बिहेव करते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के वीरा कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट से एक शिक्षक की शर्मनाक हरकत सामने आई है। शिक्षक अरशद ने न केवल छात्राओं को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजकर चैटिंग की बल्कि उनके सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा। मामला प्रकाश में आने के बाद छात्राओं ने अपने परिजन, हिंदू संगठन और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक घंटे तक कॉलेज के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस के यहां पर बीच में आने से मामला शांत हुआ। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि शिक्षक ने छात्राओं को भेजे गए अश्लील मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में पढ़ भी सकते हैं किस तरीके से अश्लीलता फैला रहा था। इनमें टीचर छात्राओं को शादी तक का प्रस्ताव भेज रहा था। इसको लेकर अभिभावकों में काफी गुस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कॉलेज सपा के पूर्व विधायक रुचि वीरा का है। कॉलेज के शिक्षक अरशद ने एक छात्रा के व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे। छात्रा ने जब दूसरे छात्राओं से शिक्षक के मैसेज पर चर्चा की तो पता चला कि वो इससे पहले भी कई छात्राओं को इस तरह के मैसेज भेज चुका है। ये कोई पहला नहीं था, मतलब लड़कियां जितनी भी थी, जितनी भी छात्राएं थी, सब पे ये टीचर फिदा हो जाता था और अरशद अपना कांड करने के फिराक में किसी न किसी के ऊपर डोरे डालने लगता था। छात्रा ने इसकी जानकारी जब अपने परिजनों और वीपी के अधिकारियों को दी तो यहाँ पर मामला काफी बढ़ गया। हिंदू संगठन गुस्से में आ गया। सोमवार के दोपहर छात्राओं के परिजन और वीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज पहुंचकर वहां जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी शिक्षक अरशद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला बिगड़ता देखकर बाकी टीचरों ने भी आरोपी शिक्षक को निकालने की बात कहकर मामला को शांत करा दिया। लेकिन हिंदू संगठन ने कहा अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो वो कॉलेज में घुसकर इस अरशद को सिखाएंगे कि यहाँ पर छात्रा की इज्जत कैसे करते हैं और कॉलेज में रहकर बच्चों का भविष्य कैसे तय करते हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।